नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया और मेरे साथ है पर्ल वी फरी। नया शो तो नई लड़कियां दीवानी होंगी या पुरानी वाली ऐड हो जाने वाली है? अब ये तो लड़कियां बताएंगी कि वो दीवानी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप खुश हों। लेकिन यहाँ आप प्यार में थोड़े से दीवाने हैं, थोड़े से पागल हैं, थोड़े से दुखी, क्या है ये? बेसिकली जो प्यार में दीवाना होता है वही प्यार ना मिलने पे दुखी भी हो जाता है। जनरली क्या होता है, रघुवीर की कहानी है बेसिकली, जो पेपर आए प्यार जो हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो एक दिल टूटे हुए आशिक की कहानी है। तो वो दुखी आशिक आपके सामने खड़ा है। बेसिकली इसकी जब जो इंसान बेपनाह प्यार करता है किसी से, उससे अगर उसका प्यार छीन लिया जाए या किसी वजह से उसे कुछ हो जाए, वो इस दुनिया में ना रहे, तो ये बहुत ही ख़राब बात होती है। इंसान पागल समझता है और फिर वो नहीं रहता जो वो है बेसिकली। वैसी सी कुछ कहानी और उसके आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिनमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे खुद बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, अभी नागिन लोगों की ज़ुबान से उतरता ही नहीं और नया शो आ जाता है, ये मैनेज कैसे करने वाले हैं, इनसे जानते हैं। ये मैनेज कैसे करने वाला हूँ उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया नागिन को। अभी भी नागिन चल रहा है, 26 मई तक नागिन है, तो मैं दोनों के लिए शूट कर रहा हूँ। लेकिन मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इतना ही प्यार और उससे भी ज़्यादा प्यार बेपनाह प्यार को दीजिए, क्योंकि इसका नाम भी बेपनाह प्यार है, तो आपको बेपनाह प्यार देना ही पड़ेगा। नो ऑप्शन नहीं है आपके पास। अच्छा, मतलब डायरेक्टर बाकी जगह प्रोड्यूसर सेम हो तो इसका फ़ायदा हो जाता है नहीं? फ़ायदा और नुकसान सब थोड़ा बहुत वो डेट और टाइम एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जिस एक पर्टिकुलर टाइम है ना, जैसे अभी दाल बनाने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब हाँ, थोड़ा मैनेज हो सकता है, जहाँ पे आपको 24 घंटे लगेंगे, मैं 20 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं वैसे भी काम को काम की तरह नहीं करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ काम करके। कैमरा के आगे आप देख रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ, इंटरव्यू करके भी बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा, आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, एक गाना तो बनता है दर्शन। मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिंगर चलिए मैं ऑफिशियल सिंगर हूँ। वो हम डिसाइड कर रहे हैं, पहले से ही डिसाइडेड है। ओके, चलिए, मैं मेरा गाना कल ही रिलीज़ हुआ है, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आके देखिए, टी सीरीज़ के ऑफिशियल पेज पर है, पीड़ मेरी मेरे गाने का नाम है, जो मैं भी गुनगुनाने वाला हूँ। दिल दिया गलियां सब तू जाने, फिर क्यों ना जाने मेरी। सो ये आप सुनिए प्लीज, अगर आपको अच्छा लगे। इतना सही गाया, इतना अच्छा लगा। बस तेरे सुनिए कन्ना विच बज देने, अखां तलब दीद दी हुई आ जाना जी। बाकी तो सुनना ही पड़ेगा ना, देखना भी पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे शो को बहुत पसंद कीजिए, मतलब पसंद आप करेंगे प्यार ना, मुझे प्यार दीजिए ना प्लीज़ बहुत सारा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा एंटरटेन करूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं और भी मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, और ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा आपको जहाँ जहाँ से आप चाहेंगे वहाँ वहाँ से, चाहे वो आप शोज़ के थ्रू चाहें, चाहे वो गानों के थ्रू चाहें, मैं हमेशा आपके सामने आता हूँ। चलिए, शुक्रिया।